तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, नाम था लाइफ ऑफ पाई। पाई नाम का एक व्यक्ति समंदर के अंदर रास्ता भटक जाता है और एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाता है जहां पर जीवन फल फूल रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था, जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था थी। लेकिन वही द्वीप रात के अंदर तेजाब उगलने लगता था, वही द्वीप रात के अंदर जीवन को खा जाता था। भारतीय पॉलिटिक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, जहां पर सफेद कुर्ते पजामे के पीछे छुपे हुए आजम खान किस प्रकार से औरतों के अंडर गारमेंट्स में झांकते हैं, उनका कलर चेक करते हैं और उसको फिर ओपनली डिस्कस तक कर डालते हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान की आजादी से सिर्फ एक साल बाद पैदा हुआ 70 साल का शिलाजीत भक्षक औरतों के अंडरगारमेंट्स को ओपनली डिस्कस कर रहा है और क्यों कर रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों सबसे पहले सुनिए आजम खान का यह बयान। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस, मैं 17 दिन में पहचान गया। दोस्तों ये बयान आया है आजम खान का जयाप्रदा के खिलाफ, जो कि उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं रामपुर की सीट से बीजेपी की टिकट से। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो बयान आया है, इस समय अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गई जब ये बयान आया। और ये वही अखिलेश यादव है जब उमेश अग्रवाल नाम के एक सपाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दे डाला था कुछ इस प्रकार का। और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। मैं इतना कहूँगा कि मैं जो भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी, मेरी कोई शर्त नहीं है। संबित पात्रा ने इस बयान की भर्त्सना की थी उसी समय कुछ इस प्रकार से कि चाहे चलचित्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी पहलू में कोई कार्यकर्ता हो, हर कोई आदरणीय है। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का सम्मान करती है, वी रिस्पेक्ट ऑल। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस पूरे बयान पर बखेड़ा खड़ा किया था और कहा था पूरी नारी जाति की अस्मिता का अपमान है, क्योंकि जो औरत थी, महिला थी, वो समाजवादी पार्टी से थी। लेकिन आज एक बीजेपी की महिला का अपमान किया गया है जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थी और आज बीजेपी के अंदर है, तो उसके अपमान पर, उसके शाब्दिक बलात्कार पर अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हैं, वो भी उसी मंच पर। पर दोस्तों बात यहीं पर नहीं रुकती है। रोहित सरदाना ने शुचिता की बात कर डाली राजनीति के अंदर इस बयान के बाद आजम खान के, तो उसका बचाव करने के लिए आशुतोष आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई जो शुचिता है उसका ठेका तो सिर्फ बीजेपी ने ले रखा है, तो आजम खान को आप ब्लेम कैसे कर सकते हो। यही नहीं, आरफा खानम शेरवानी द वायर की पत्रकार महिला होने के बावजूद आजम खान के साथ खड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं इस मुद्दे के ऊपर। आप उनका बयान पढ़ सकते हैं और ये वही लोग हैं जो पूरा दिन नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, उनका हक भी है। लेकिन जब इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो इनके मुंह पर जो नकाब होता है ना, वो उतरा हुआ प्रतीत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इनके चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा सिर्फ यहीं पर नहीं उतर रहा है। कन्हैया कुमार बेगूसराय के अंदर किस प्रकार की स्पीच दे रहे हैं, किस प्रकार से राम को अनैतिक कह रहे हैं, जरा सुनिए। हनुमान जी जो है वर्किंग क्लास देवता है, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। आज हनुमान ये कहते हैं कि दूसरे की पत्नी जो है उनका अपहरण हुआ, उसके लिए लंका जला दी। सुग्रीव दोस्त था ना राम जी का, सुग्रीव के लिए धोखा तक करने को तैयार हो गए राम जी कि दोस्ती ज्यादा बड़ी चीज है।
नैतिकतावाद। लेकिन ये सभी लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर चुप बैठे हुए हैं। आजम खान कलेक्टर से जूते पॉलिश करवाने की बात करता है सबके सामने। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, हाँ उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लोग उस समय भी चुप बैठे हुए थे। ये लोग मोदी के खिलाफ मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के मुद्दे को वोट का मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से इनडायरेक्टली के मोदी के खिलाफ वोट कर दीजिए। लेकिन यही लोग ऑड डेज पर कहते हैं कि भैया हम धर्म जात की जो राजनीति होती है ना, उससे बहुत कोसों दूर हैं। और यही लोग किस प्रकार से आजम खान का बचाव करने के लिए मोदी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मोदी ने कठुआ गैंगरेप पर कुछ कहा था या नहीं, अगर कहा था तो हमें बता दीजिए। तो चलिए इन्हें बता देते हैं। इस तरह की घटनाएं हमने 20 दिनों में देखी है, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती है। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं, वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है, ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार हैं। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को जगजोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। मीनवाइल जयाप्रदा ने आजम खान को जवाब दे दिया है, कुछ इस प्रकार का जवाब था, वो भी आप सुन लीजिए। मेरे लिए नई बात नहीं है, आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये, अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा, महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? लेकिन सारे सेक्युलर जमात के फंडेड पत्रकार जो हैं, आज चुप बैठे हुए हैं। वो आज अपने मुंह से बचाव करते हुए प्रतीत हो रहे हैं आजम खान का। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप हमें जरूर बताइए। आजम खान के बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। और इन लिबरल्स जो कि आज तवे पर बैठकर सिकाई कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई लोगों को पता चल सके। आप कमेंट जरूर करिए इस वीडियो के नीचे, साथ ही साथ लाइक करिए ताकि ये वीडियो आगे तक पहुंच सके। patreon.com पर हमें सपोर्ट करिए, एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका सपोर्ट बहुत वांछनीय है, नितांत आवश्यक है हमें एक स्टेप आगे जाने के लिए। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रही है ऐसा वो कहते हैं, तो वो लोग दोबारा से बेल आइकॉन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं आज की खबर। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।